हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वॉन्डरिंग क्लाउड। दोस्तों, आज का ये हमारा एपिसोड एक नई व्लॉग सीरीज को स्टार्ट करेगा और इस व्लॉग सीरीज का नाम है सौराष्ट्र ट्रिप 2023। जी हाँ, इस व्लॉग सीरीज में हम आपको ले जाएंगे गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में आई हुई कई फेमस प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों, इस नई व्लॉग सीरीज के सभी एपिसोड्स को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आपको ये व्लॉग सीरीज पसंद आए तो इसके हर एपिसोड को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए, हम और आप मिलकर करते हैं एक नए सफर की शुरुआत आज के इस एपिसोड के साथ। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम कच्छ से सौराष्ट्र पहुंचकर सबसे पहले जाएंगे वीरपुर, उसके बाद खोडलधाम कागवड़ और अंत में जूनागढ़ पहुंचकर आज के इस एपिसोड को एंड करेंगे। तो दोस्तों, सुबह के 7 बजे के करीब हमने अपनी सौराष्ट्र की सफर की शुरुआत की। करीब 300 किलोमीटर की सफर के बाद हम पहुंचे गुजरात के महान संत जलाराम बापा की जन्मभूमि वीरपुर में। वीरपुर के इस फेमस टेंपल में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ के रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ की कोई भी वीडियोग्राफी नहीं की थी। वीरपुर जलाराम मंदिर दरअसल संत जलाराम बापा का निवास स्थान है और मंदिर के परिसर में अन्न क्षेत्र में 200 वर्षों से लगातार प्रसाद का सदाव्रत बेहद प्रसिद्ध है, जहाँ भक्त दोपहर के भोजन और रात के भोजन के रूप में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ये दुनिया भर में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां किसी भी प्रकार का दान स्वीकार नहीं किया जाता और करीब 10,000 लोग प्रतिदिन यहां प्रसाद ग्रहण करते हैं। वीरपुर से निकलकर हम पहुंच गए वीरपुर से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर आए हुए एक प्रसिद्ध स्थल श्री खोडलधाम मंदिर कागवड़ पर। खोडलधाम मंदिर भारत के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है, जो 299 फीट लंबा और 253 फीट चौड़ा और 135 फीट ऊंचा है। इस भव्य मंदिर की स्थापना 21 जनवरी 2017 के दिन हुई थी। खोडलधाम मंदिर मानव समुदाय की परंपरा को प्रदर्शित करने वाली अद्वितीय शिल्प कला और वास्तुकला का एक उत्तम उदाहरण है। यहां आते ही अलौकिक वातावरण का अनुभव होता है। खोडियार माता को गुजरात राज्य का लेवा पटेल समुदाय कुल देवी के रूप में पूजता है और इनके अलावा माता खोडियार गुजरात के कई अन्य समुदायों की भी कुल देवी हैं। इस खोडलधाम मंदिर का निर्माण राजकोट के लेवा पटेल समुदाय के संगठन श्री खोडलधाम ट्रस्ट द्वारा किया गया था। इस भव्य मंदिर की मनोहर शिल्पकला में रामायण और महाभारत के कई दृश्य शामिल हैं। मुख्य मंदिर में माता खोडियार और अन्य 20 जितने देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। दोस्तों, इस भव्य मंदिर के दर्शन के बाद हमने वापिस अपनी सफर को शुरू किया और हम शाम के करीब 4 बजे पहुंच गए गुजरात की सबसे प्राचीन और आध्यात्मिक नगरी जूनागढ़ में। जूनागढ़ पहुंचकर हम सबसे पहले पहुंचे गिरनार की तलेटी विस्तार में आए हुए प्राचीन भवनाथ मंदिर की ओर। भवनाथ मंदिर का उल्लेख कई पौराणिक मिथकों और किंवदंतियों में हुआ है। इस स्थल को भगवान शिव के उपासकों के लिए एक अति शुभ स्थल माना गया है। भवनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि को 5 दिन का एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात और राजस्थान से भी कई विस्तारों से तीर्थयात्री और कई विदेशी पर्यटक भी शामिल होते हैं। भवनाथ मंदिर के दर्शन के बाद हम पहुंच गए पास ही में आए हुए प्रसिद्ध दामोदर कुंड की ओर।
हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस कुंड को बहुत ही पवित्र माना जाता है। दामोदर कुंड के पास ही दामोदर हरि मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर की मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ द्वारा स्थापित की गई थी। यहां भगवान दामोदर को वैष्णवों द्वारा गिरनार क्षेत्र के अधिपति के रूप में माना जाता है। दामोदर कुंड 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गुजराती भक्त कवि नरसिंह मेहता के जीवन के साथ भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भक्त कवि नरसिंह मेहता दामोदर कुंड में स्नान करने के लिए आते थे और उन्होंने अपनी कई प्रभातियां इसी स्थान पर लिखी थी। यहां पास ही में नरसिंह मेहता का एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है। दामोदर कुंड को विजिट करने के बाद हमने जूनागढ़ के तलेटी विस्तार में ही होटल में स्टे किया था। दोस्तों, इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम रोपवे से गिरनार के अंबाजी मंदिर तक पहुंचकर वहां के प्राचीन मंदिर के आपको दर्शन करवाएंगे, तो ये नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और जय जय गरवी गुजरात।